दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि घनाभ के भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है और उसका क्षेत्रफल 88 वर्ग सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। पहले देखो इसका क्या भुजाओं का अनुपात रखा है, 1:2:3, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, एस के रूप में लिख लेंगे। इसका अनुपात हमने मान लिया, भुजाओं का अनुपात हमने मान लिया क्या है, एक्स है, अनुपात 2x है और अनुपात 3x है। अब क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL, ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है इसने 88, ये दे रखा है 88। अब क्या करना है, यहाँ पर इनकी भुजाओं का मान रखना है, तो रख देंगे 2L कितना है, L है x और b कितना है 2x, तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं क्या जाएगा 2x² और BH करना है तो कितना जाएगा 6x² और HL करेंगे इसको, इनको इनको गुणा करेंगे तो जाएगा 3x² और ये हमारे पास कितना है 88 है। अब क्या करना है, इनको जोड़ कर लेंगे, 2 × 6 = 8, 8 × 3 कितना होता है 11, तो ये जाएगा 11x² और बराबर कितना आ गया हमारा 88 आ गया। यहाँ से हम लिखेंगे 11x² बराबर कितना आ गया 44, ये इस तरह भाग में चला गया। यहाँ से x² मान निकालेंगे तो बराबर निकल के जाएगा 4, यानी हमारे पास x² कितना निकल के आया है, x² निकल के आया है 4, तो x निकालेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 2 सेमी हो गया। अब ये x का मान इन भुजाओं में रख देंगे तो हमारे पास l निकल के आ जाएगा कितना, l हो गया 2, b कितना हो गया, b हो गया 4 और h कितना हो गया, h हो गया 3 × 6, ये हमारे पास नई भुजा निकल के आ गई। अब हमें निकालना है आयतन, तो जानते हैं आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 × 4 × 6, तो कितना आ गया 2 × 4 = 48, 48 सेमी क्यूब, ये इसका क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था।